अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद से निकल रहे हैं लाहौर के लिए। तो आज जो है सेमीफाइनल्स है, सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए। अभी जो है हम लोगों ने करीम करा ली और बस अड्डे पे जा रहे हैं, वहाँ से जो है फिर हम लोग लाहौर पहुँचेंगे। आइए हमारे साथ, बस भी जो है आज हमारी स्पेशल वाली है, तो बस का व्लॉग भी करते हैं। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं क्यू कनेक्ट में, ये मेरे पीछे बस आप देख रहे होंगे रेडी हो रही है। और बड़ी तारीफ सुनी थी हमने इसकी कि यार बहुत अच्छी बस है, बहुत अच्छी सर्विसेज है, तो आज इसमें हम लोग जो है ट्रैवल करके देखते हैं। यूजुअली हम लोग डाइवो गोल्ड या उस पर ट्रैवल कर लिया करते थे, मगर अभी जो है क्यू कनेक्ट और ITC का बड़ा नाम चल रहा था, इस दफ़ा हमने सोचा क्यू कनेक्ट में करके देखते। और क्यू कनेक्ट में हमारे साथ कनेक्ट आशान भी मौजूद है। भाई दिस इज क्यू कनेक्ट, भाई टैग दे दें यार। थैंक यू। ओ भाई साहब सीटें चेक कर रहे हो, मतलब भाई कमाल, सब पागल कमाल, भाई कमाल। आज हम दोनों व्लॉग बना रहे अलग अलग। यार कुछ भूख लग रही थी, सोचा कुछ हल्का सा जूस वूस ले लेते हैं। तो बस में जो है वो मेन्यू आपको मिलेगा भेरा पे जाके, तो भेरा पे तो हम खुद भी ले सकते हैं, भूख तो अभी लगी है, अभी उसका क्या करें। तो नाश्ता किया नहीं है, नाश्ता वास्ता करते हैं, हल्का सा जूस वूस ले लेते हैं। तो भाई ये हमने थोड़ा सा मंचिंग का सामान ले लिया है रास्ते के लिए और ये हमारी बस रेडी। अब तीनों हजरात ये वॉलपेपर आपको कैसा लगता है? ये वॉलपेपर हमारा खुद का खींचा हुआ है, चेक करें जरा आप, ये देखें ब्रो। अगर आपको वॉलपेपर चाहिए है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपको भी दे देंगे। खवातीनों हजरात, इस वक्त हम लोग रुके हैं भेरा पे, इंटरचेंज है ये एक, और तकरीबन 2 घंटे में जो है हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब कुछ पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ जूस पिया था। मैकडोनल्ड्स सामने नज़र आ रहे हैं, मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स या KFC पूछते हैं सबसे फिर चलेंगे। तो जी इट्स मैकडोनल्ड्स, गाड़ी में बैठ के खाएंगे, इधर नहीं खा रहे, चलो देर हो रही है, हम बैठ के खा लेंगे। चले तो खवातीनों हजरात, लाहौर हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन 5 घंटे में। अभी कराएंगे करीम और सीधा जाएंगे जौहर टाउन। आइए हमारे साथ। अभी जो है हमारी करीम आ चुकी है, करीम में बैठ के हम जाए, चले चले आगे बैठे। अबे यार चले भैया, या अल्लाह। अभी अभी हम लोगों को पता लगा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है टॉस जीत चुका है और क्या कर रहा है, पहले वो बॉलिंग कर रहा है, हम लोग बॉलिंग कर रहा है, हम लोग टारगेट देंगे। ये गलत हो गया वैसे, जब तक हम लोग बॉलिंग कर रहे थे हम लोग मैच जीत रहे थे, थोड़ा सा जीत जाएगा मुश्किल सूरत हाल है। वासिफ भाई के स्टूडियो हम जा रहे हैं, वहाँ पे आज देखेंगे भाई किधर ऊपर लग रहा है। चले जी। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, प्लीज कमिंग इज ऑन इज ओके, मैच स्टार्ट हो चुका है। ओ बाबर और रिजवान, बहुत आला बहुत आला। भाई बचत हो गई है एक दफा और, बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी। अगर रिजवान और बाबर ऐसे ही चलते रहे आराम से मैच निकाल लेंगे। क्या कहते हैं भाई आप, जीतेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह नहीं 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 भाई, रमीज राजा ने कल अपनी वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान टीम ना माशाल्लाह से नियर टू इम्पॉसिबल हराने वाली टीम हो गई है, इसी तरह खेलते रहे ये लोग ना अगर तो जीत जाएंगे, कोई बैटिंग ऑर्डर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई पाकिस्तान की 50 हो गई है भाई, रन रेट चल रहा है इस वक्त 7.50, 6.4 ओवर्स हो चुके हैं। चौका, जल्दी बताओ क्या हो गया इस बॉल पे? एक रन दो भागो एक एक भागो यार, अभी ज्यादा ही देर हो रहा है।
भाई ये बड़ा बैड सीन हो गया, बाबर आजम आउट हो गया, बैड सीन बैड सीन। अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी यार, बहुत आला छक्का हो गया, एक चौका भी दे दे यार। चौकी की खुशी में चिल्लम बना रहा लड़का भाई, तैयार होगा। ये हमारा छोटा सा ट्रेवल शीट है ढांचे वाला। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, पहले ढांचा नहीं था, ठीक है, पहले सिंपल था जो कि हमारे भाई ने तोड़ दिया। क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता हूँ यार इतना। कोई बात, तुर्की जाएंगे, तुर्की से नया लेकर आएंगे। मैंने शॉट बनाना शुरू किया, पहले बना लेते भाई, किसने, रिजवान ने मारा ना, रिजवान ने क्या कहते हो, क्या टारगेट होगा, और फ्री हिट पे छक्का। पाकिस्तान टारगेट देगा 172-173, 5 का मार्जिन रखते हैं। चलो 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 चलो, कमाल कमाल है भाई, रिजवान भाई कमाल है, मजा आ गया यार, मजा आ गया। बोला था दो बॉल पे चौका, फ्री हिट पे छक्का, फ्री हिट पे छक्का, फ्री हिट पे छक्का, जो बोले हम वो हो रहा है, बस पाकिस्तान भी जीत जाए। आउट हो गया यार, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये वहाँ आउट हो रहा है और ये कैमरामैन को देखो बच्चे ढूंढ रहा है, खराब नहीं आती है, ये देखो दोबारा से देखा आपने, कैमरामैन है ना अपनी दुनिया मस्त। आसिफ भाई अभी आए हैं, अभी तो आए हैं, दवार ने मारा, दवार ने मारा, छक्का फखर ने मार दिया, क्या हुआ आसिफ भाई आए, छक्का फखर ने मार दिया, क्या बात है भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये ले यार कर दे कुछ, चौका चौका है, चौका रोक लिया, कैसे है भाई, 151 190 हो जाएगा, ओए ओए क्या क्या गिरा है ये बंदा यार, ये कैमरामैन कौन है यार वासिफ यार, ये इधर है अपना कराची का, डीओ ब्लू कराची भाई, ढूंढ ढूंढ, अच्छा वो तो ये आया, ये देखो ये कैसा बचा है ये, सर इंशाल्लाह 192 172 180 अभी इसको जिन्ना हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा हम बाहर को, ये देखो फिर ढूंढ के निकाला है, यानी कंट्रोल जी इनका टारगेट सही लग रहा है, अरे 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 क्या पहले तो चांद तक वरना शाम तक, अरे कब से ये मल्ले क्या कर रहा है, लो गया गया, नहीं लगा, अरे अबे यार ये नहीं होना था ब्रो, मार ऐशो मार को बताता हूँ मैं, चलो चलो ओ चौका दिल आउट हो जाए लेकिन चक्का मार दे, कौन है यार, चलो खैर यार, ये टारगेट कुछ और बताया था मैंने, 180 का बताया था लेकिन 176 हो गए, चलो कोई मसला नहीं,
कोई बात नहीं, मैं हार गया मगर अरे भाई क्या आउट हुआ है, बहुत आला यार। आईसा ओवर इनको मिलनी चाहिए, मैं क्या कहूं जबरदस्त यार। एक रन है और एक आउट है। क्या बात है भाई, क्या आउट हो गया, आउट हो गया, आउट ले लिया भाई, आउट है, आउट है, सही में आउट है। ये थोड़ी था, हम तो इसकी अपील ही नहीं कर रहे यार। अच्छा पहले रन आउट चेक करा थी, क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया वालों को, बहुत मार रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। चौका, सही बात है, गाली देने वाली बात है यार। 128 runs from 88 balls, बहुत मार रहे हैं यार। ये किया क्या इसने? हफीज भाई, हफीज नो बॉल भी हो गई साहब। अबे यार ये देखो, बॉल देखो, बॉल देखो, एक उसने भी छोड़ी नहीं भाई, उसने दिया मिला के रेड सी बॉल। तो भाई इतनी मुश्किल से दो आउट हुए हैं, हफीज भाई ये नहीं करो, दो आउट हो गए भाई। यस खत्म भाई, खत्म। पांच आउट हो गए भाई ऑस्ट्रेलिया के, पांच हो गए। पाकिस्तान की विनिंग देखो, ऑस्ट्रेलिया 16। अरे यार अबे स्पाइडर में यार। बारह बॉल्स पर 22 रन चाहिए। हार गया यार, ऑलमोस्ट। तो ख्वातीनों हजरात, पाकिस्तान मैच हार गए बड़े अफसोस के साथ। मतलब आपने सब देखा होगा, हम लोग बड़ा एक्साइटेड थे यार। मतलब इस्लामाबाद में शादी में आए हुए थे, उसके बाद लाहौर गए कि यार वासिफ के साथ मैच देखेंगे सेमीफाइनल्स, और इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। मगर खैर जो नसीब में लिखा था वो हुआ। सब हसन अली की परफॉर्मेंस को जो है बड़ा वो कह रहे हैं कि यार उसने कैच छोड़ा, अगर वो कैच पकड़ लेता तो ये नहीं होता, और भी बात है। तो भाई देखें, इंसान है, गलती हो जाती है, पूरे वर्ल्ड कप में देखें तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी वजह से हम उसे जज नहीं कर सकते। पहले तो हमारी उम्मीदें थी नहीं ना कि यार सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगी, और जब इंडिया को हराया था ओ भाई, तब तो मतलब ये हो गया था ना कि यार बस ख़त्म। उस टाइम तो सब ये थे भाई, आप वर्ल्ड कप हार भी जाओ तो हमें कोई गम नहीं है, तो अब क्या हुआ भाई। खैर बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, आगे और भी वर्ल्ड कप सीरीज है। तो बाकी उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड कर नहीं सके थे, क्योंकि हालत जो है बस हमारी बड़े दिल जो है ना उदास हो गए थे, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। तो बस ये है कि अगर अच्छा लगा है व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।